So that's all I've continued to do all my life is fall apart and then pick up the pieces and then fall apart and pick up the pieces and then strangely you get more solid. एस्ट्रोनॉट बनना था मुझे, आर्किटेक्ट बनना था और एक्ट्रेस एक्टिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था. वी हैव द फायरी पूजा भट्ट. पूजा भट्ट बोलो. पूजा भट्ट. हाय पूजा. प्लीज सचिन लाइए पूजा भट्ट. द अनइनहिबिटेड, द फियर्स, द फैबुलस, द अमेजिंग, द बोल्ड पूजा भट्ट. पूजा भट्ट ये, पूजा भट्ट वो, पूजा भट्ट ऐसी फेक मीन ब्ला 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 ब्ला. जहाँ कुछ वक्त पहले तक पूजा भट्ट सिर्फ अपनी सिस्टर की बुक प्रमोशन पे या फिर कभी कभी अपनी बहन की मूवी स्क्रीनिंग पे दिखा करती थी, वो काफी सालों बाद स्क्रीन पे दिखाई दी है. अब किसी बड़े स्टार को अपना करियर या फिर अपनी इमेज रिवाइव करनी हो तो वो कहाँ जाएगा? बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की बेरोजगार योजना के तहत काम मांगने जाएगा, जहाँ से सलमान खान ने पूजा भट्ट को दिया एक कॉन्ट्रोवर्शियल येट पारिवारिक शो बिग बॉस. लेकिन अब पब्लिक रिएक्शन से यार देखो लग रहा है कि पूजा भट्ट ने ना बिग बॉस में आके बहुत बड़ी गलती की है. तो कुछ साल पहले चलते हैं एंड लेट्स नो सम मोर अबाउट पूजा भट्ट. पूजा भट्ट फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनकी फर्स्ट वाइफ किरण भट्ट की बेटी हैं. She was born on 27th Feb 1972. पूजा भट्ट आलिया भट्ट की हाफ सिस्टर हैं और इमरान हाशमी की कजन सिस्टर. उन्होंने AF पेटेट गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी एजुकेशन की एंड एट द एज ऑफ 17 शी डिड हर फर्स्ट मूवी. पूजा भट्ट ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1989 में महेश भट्ट की डैडी मूवी से किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला. 1991 में पूजा भट्ट ने अपने करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट फिल्म दी, दिल है कि मानता नहीं. फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और पूजा भट्ट को काफी रिकॉग्निशन भी मिला. उसी साल उनकी मोस्ट टॉक्ड मूवी सड़क भी रिलीज हुई. Following that, 1992 में पूजा भट्ट ने डेमी मोर वैनिटी फेयर कवर से इंस्पायर्ड होके एक मैगजीन के लिए पेंटेड बॉडी सूट में फोटो शूट किया, जिसे लोगों ने वल्गर और पब्लिसिटी स्टंट का नाम दिया. पूजा भट्ट ने ऐसी एक नहीं काफी मैगजीन्स शूट किए. वो कभी सिगरेट के साथ तो कभी बिकनी में न्यूड लड़कों के साथ तो कभी अपने बोल्ड अवतार में आई एम नॉट वर्जिन हेडलाइन के साथ भी दिखी गई. अपने 20s में पूजा भट्ट ने बोल्ड शूट्स और बोल्ड लाइफ जीने में कोई कसर नहीं छोड़ी एंड ऑल दैट लर्निंग्स हैड फेवर्ड हर टू बी दिस इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड टुडे कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकती हैं और कोई उन्हें क्वेश्चन तक नहीं करता. 24 घंटे के लिए बहुत ही सम्मान दिया इन लोग एक दूसरे को, 24 घंटा भी लास्ट नहीं हुआ वो सम्मान. ये ट्रॉफी सिर्फ वो लोग नहीं जीते हैं जो चालाक होते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को छोटे करते हैं. By her mother's side, पूजा भट्ट was English, Scottish, Armenian. Starting से ही उनका household काफी Christian रहा है और घर में wine dinner पे serve होना बिल्कुल आम बात है. इसी के चलते पूजा भट्ट ने सिर्फ 16 की उम्र से ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी. वीडियो में हम आगे बढ़े यार, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक फनी बात. जब हम यार छोटे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा कमाना खेल नहीं है, और आज मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि यार पैसा कमाना वाकई में खेल है और बहुत ज्यादा सिंपल है. देखो यार, करना ये है कि वन विन की वेबसाइट पर तुम्हें जाना है. अब यहाँ पर तुम्हें गेम तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें एक ही गेम पसंद आएगा, वो है लकी जेट. नाम में ही यार लकी है, तो सोच लो तुम्हारा कितना लक बदलने वाला है. लकी जेट गेम में तुम्हें बस इतना करना होता है कि पायलट के उड़ जाने से पहले पैसे कलेक्ट करने होते हैं. अब देखो, जब आप खेलोगे तो आपको अपने वॉलेट में पैसे दिखाई देंगे, लेकिन शुरू करोगे तो अपना पायलट अमाउंट पहले ही सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद अपना कोएफिशिएंट सेट कर देना. इधर तुमने तुम्हारा गेम जीता, उधर तुम्हें तुम्हारे वॉलेट में अमाउंट मिल जाएगा, और इस वॉलेट को तुम अपने बैंक अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो ताकि तुम बाद में उस अमाउंट को विड्रॉ कर पाओ. उसके लिए अपने अकाउंट में लॉगिन करो, विड्रॉल वाले सेक्शन में जाओ, और फिर जिस भी तरीके से जितना भी पैसा तुम्हें अपने वन विन गेम वॉलेट से निकालना है वो निकाल लो. सच में हुआ ना पैसा कमाना बिल्कुल सिंपल. नीचे पिन कमेंट में नजर डालो, वहाँ तुम्हें वन विन का लिंक मिलेगा, और जल्दी से यार वन विन पे जाओ और गेम खेलो. और तुम वहाँ पर और भी गेम चेकआउट कर सकते हो, लेकिन खेलना है तो लकी जेट जरूर खेलना. पूजा भट्ट ने पहली सिगरेट 23 साल की उम्र में पी एंड देन ऑफ कोर्स यार देयर वाज नो लुकिंग बैक अंटिल 6 इयर्स बैक, जब उन्होंने रिहैब का सहारा लेते हुए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दी. पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि एल्कोहल इज कंफर्टिंग, इट कलर्स योर इवनिंग,
It's a socially accepted narcotic, even at business, lunches, and in the boardroom. Also, living in a fast-paced city, being in a high-stress profession, it becomes a reason to celebrate and cope with failure. Your film is a hit, you bathe in champagne. It flops, a single malt lessens the pain. पूजा भट्ट के लिए सबके काफी अलग अलग पीओवी हैं, लेकिन एक चीज पूजा भट्ट के लिए सबने सेम बोली है कि पूजा भट्ट अपने पापा महेश भट्ट की फोटो कॉपी है, चाहे वो नेचर हो, अल्कोहल हो या फिर बुली। मिसफिट देखते हैं। I am a misfit of 71. I can't fit a young little girl to fit into the sick world. The brutality is next. I was born to a man who has never done anything in half measure, and I inherited that. So when I drank copiously. Your appetite increases even as the alcohol does terrible things to your body, clutters your mind and colors your judgment of the people you're hanging out with. Pooja Bhatt ne 90s mein fir teri kahani yaad aayi, Angrakshak, Pehla Nasha, Gunegar jaisi lagbhag 25 movies ki. लेकिन इन सब के बावजूद पूजा भट्ट को इंडस्ट्री में रेलेवेंस बनाए रखने के लिए हमेशा कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ता था। उनकी सारी मूवीज, उनके बोल्ड शूट्स, उनके करियर के लिए इतना नहीं कर पाई जितना उनके द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैगजीन शूट ने किया। पूजा भट्ट ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक शूट किया जिसमें वो अपने पापा महेश भट्ट के लैप पे बैठ के उन्हें लिप किस करती नजर आई। And for obvious reasons, इस शूट पे पब्लिक से पूजा और महेश भट्ट दोनों को काफी हेट मिला और लोगों के जेन्युइनली काफी सेंटीमेंट्स हर्ट भी हुए। अब कोई सेंसिबल आदमी इस सिचुएशन को शायद यार संभाल लेता, लेकिन वो महेश भट्ट है। उन्होंने लोगों को शांत करने के बजाय इंटरव्यू में एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो आज तक किसी के बाप ने अपनी बेटी के लिए नहीं दी होगी। If Pooja wasn't my daughter, I would love to marry her. इस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों ने काफी assumptions लगाने शुरू कर दिए। Even कंट्रोवर्सी ये भी बाहर आई कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है, और इसी वजह से आज भी कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम पूजा भट्ट बोला जा सकता है। It's said कि पूजा भट्ट की इसी कंट्रोवर्शियल इमेज के चलते सलीम खान ने सलमान खान को पूजा भट्ट के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। 1996 में पूजा भट्ट ने ऑन कैमरा से दूरी बनाते हुए अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस पूजा भट्ट प्रोडक्शंस लॉन्च किया। I was hoping for much simpler name, but क्रिएटिविटी। इट्स सेड कि पूजा भट्ट को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था। बॉलीवुड में आने से पहले वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। नाउ यू ऑल नो कि वो इतनी ऊंची ऊंची क्यों फेंकती हैं। 90s में हेडलाइंस में बने रहने के लिए आइडियाज तो पूजा और उनके पापा के पास थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस कंट्रोवर्सीज पूजा भट्ट की एक पर्सनल लाइफ रही है। पूजा भट्ट का सोहेल खान, आमिर खान से लेके बॉबी देओल तक लिंकअप्स की खबरें आती रही है। सोहेल के साथ तो उनका रिलेशन शादी तक पहुंचने तक की भी न्यूज थी, लेकिन हर रिलेशनशिप विद रणवीर वॉज द वन हु कॉट एवरीवन्स अटेंशन। पूजा भट्ट और रणवीर एक टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, बट देन दे हैड अ प्रीटी बैड फॉलआउट एंड पूजा भट्ट मेड डोमेस्टिक वायलेंस एक्यूजेशंस अगेंस्ट रणवीर। पूजा भट्ट फैमिली ने रणवीर की काफी इंसल्ट की और उनपे पूजा भट्ट को फिजिकली अब्यूज करने का इल्जाम भी लगाया। बट देन रणवीर श्रॉय ने इस बारे में ओपनली बात करने का डिसीजन लिया और एक इंटरव्यू में बोला कि फर्स्टली आई डोंट थिंक दे आर दैट पावरफुल, सेकेंडली It's not like I made a choice to make enemies out of them. It was they who did that to protect their child. They started lying about me in public. He exclaimed how actually stopped getting good work opportunities and had to work on small projects. He even said ki Pooja Bhatt bina drink kiye bhi kaafi violent ho jati thi. And these film moguls have targeted me for years. रणवीर के अकॉर्डिंग भट्ट फैमिली ने उनकी इंसल्ट तो की ही, बल्कि पूजा भट्ट ने उसके बाद रणवीर श्रॉय के बेस्ट फ्रेंड मनीष मखीजा से शादी कर ली, जिससे रणवीर की अपने दोस्त से भी काफी दूरियां बन गई। He said मनीष मखीजा was his best friend until the incident with पूजा भट्ट, then he turned around and married her. पूजा भट्ट ने 2003 में इंडियन वीडियो जॉकी मनीष मखीजा से शादी कर ली। उनकी शादी 11 साल चली और फिर उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। To which पूजा भट्ट said, I was married for almost 11 years. Then we decided that something is not right and it is not working out. We should not live a lie and it is not a dress rehearsal.
यू गेट वन चांस इन लाइफ। बिग बॉस से पहले काफी सालों बाद पूजा भट्ट को सड़क 2, बॉम्बे बेगम्स और चुप मूवी में देखा गया था, लेकिन शायद उनके कमबैक का उतना जिक्र नहीं हुआ और इसीलिए उन्हें अपना कमबैक मार्क करने के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस पूजा भट्ट के उतने फेवर में नहीं चल रहा था। हर दिन पूजा भट्ट को लेकर बायसनेस के सवाल उठने लगे। कुछ का कहना तो ये भी था कि उन्हें शो में स्क्रिप्ट मिली हुई है, लेकिन अगर उन्हें स्क्रिप्ट ही मिल रही होती तो उन्हें बिग बॉस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। पूजा भट्ट हैव हैड अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल करियर एंड लाइफ, एंड द सैड पार्ट इज कि लोग उन्हें उसी की वजह से याद करते हैं, ना कि उनके बॉलीवुड में दिए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन से। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अपने फादर महेश भट्ट की फर्स्ट कॉपी है, एंड ही इज नॉट वेरी लाइकेबल पर्सन एट ऑल। Let's see, बिग बॉस से बाहर आने के बाद उनका करियर क्या टर्न लेता है और वो अब एक बार फिर रेलेवेंट रहने के लिए कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज का सहारा ना ले। तो गाइज, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जो नीचे लाइक बटन है ना, उसे दबा दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो भी जल्दी से दबा दो। जल्दी से हम 2 लाख क्रॉस करते हैं। तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे मेरे सोशल हैंडल्स गाइस। हम मिलते हैं अगली ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब हां कर दो लाइक।